शिक्षक भरतमाल जी हत्याकांड के उद्भेदन को लेकर एसपी अमितेश कुमार ने दरौंदा थाना व घटना अनुमंडल स्थल पर पहुंचकर हत्याकांड की जांच की है। एसपी दरौंदा थाने में बैठकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एसपी अमितेश कुमार ने घटना अनुमंडल स्थल पर भी जाकर जांच की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक भरतमाल जी हत्याकांड में जीएसपी राकेश कुमार रंजन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 6 लोगों को आरोपी किया गया है और सभी आरोपित के संलिप्त की जांच चल रही है। फिलहाल इस मामले में कहीं सीसीटीवी कैमरे का फुटेज नहीं मिला है। घटना अनुमंडल करीब 6 बजे की बताई जा रही है, उस समय अंधेरा हो गया था। इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों को पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देखिए, यहाँ जो आज से 2 दिन पहले शाम में एक शिक्षक श्री भरत मांझी जी की हत्या हुई थी, उसमें आप लोगों को पता होगा कि 6 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी भी की गई है और पुलिस जो है गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। कुछ साक्ष्य के रूप में हम लोगों ने कुछ सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, अभी तक प्राप्त हुआ नहीं है। कुछ घरों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसको भी हम लोग देख रहे हैं और जिसमें भी जिसकी भी इसमें संलिप्तता है सभी पे कार्रवाई होगी। यदि जो नामजद 6 हैं उसके अलावा भी कुछ नाम हम लोग के सामने अभी सस्पेक्ट के रूप में आ रहे हैं, यदि उन लोगों की भी संलिप्तता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी और पुलिस अपना काम कर रही है। एक एसआईटी गठित है एसडीपीओ महाराजगंज के नेतृत्व में, जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। आप लोगों को सर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुआ है? सर 2 रोज हो गया सर, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन घटना से जुड़े हुए घटना के कारणों के संबंध में जो पूर्व से विवाद जो चला आ रहा था दोनों पक्षों के बीच, उस बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। उसमें भी कई चीज़ें कुछ विरोधाभासी चीज़ें भी सामने आई हैं और कुछ और अन्य लोगों के भी संलिप्तता के संबंध में जानकारी मिली है, तो पुलिस प्रयासरत है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी और खुलासा होगा। इस घटना को लेकर सर लोग दूसरा रूप देना चाहते हैं राजनीतिक रूप, इसलिए आम जनता से और लोगों से क्या अपील होगी सर पुलिस कप्तान होने के नाते? देखिए, ये कोई भी आपराधिक घटना को एक राजनीतिक रूप देना दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत है, इसकी पूर्णतः निंदा मैं करता हूँ। कोई भी घटना होती है तो उसकी एक एक कारण होता है, एक कोई वजह होती है और उसमें पुलिस का काम है अनुसंधान करके, साक्ष्यों का संकलन करके सच्चाई को सामने लाना। इसमें किसी तरह की बयानबाजी या अन्य इसको कोई और इसका जो है डायरेक्शन चेंज करना उचित नहीं है। स्थिति सामान्य सर? जी बिल्कुल सामान्य है और हम लोग जाँच कर रहे हैं, पुलिस का ये काम है अनुसंधान करना, वो हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।